रिलोकेशन 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 एडमिनिस्ट्रेशन फेल है फेल है फेल है रिहैबिलिटेशन फेल है फेल है फेल है दस में हमने जब ज्वाइन किया तो हमें गए वहाँ कश्मीर गए तो पहले पहले थोड़ा डर लगा, अकेलापन सा लगा। देखो धीरे धीरे वक्त बीतता गया, हम उन लोगों के साथ मिक्सअप होने लगे। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दोहराय नहीं है कि सिविल पब्लिक ने हमारा बहुत वेलकम किया, हमारे साथ कोऑपरेट किया, ऑफिस में हमारे साथ कोऑपरेट हुआ। वो खुश हुए कि हाँ आप लोग लौट के आए कश्मीर, ये आपका घर है, आप आ जाइए, यहाँ रहिए, आप कोई आपको कोई डर नहीं है, हम आपके साथ हैं। जो 12 साल जिस फ्रीडम से मैंने काम किया था, हर मैं जहाँ मर्जी घूमूं मुझे कोई डर नहीं लगता था, लेकिन उस दिन 12 मई के बाद मेरी तो जैसे सारी बदल ही गई। मैंने कहा अब कैसे होगा, मैं कैसे ड्यूटी, उसके 12 मई के बाद आज तक मैं उस ऑफिस में नहीं गई हूँ। मई के महीने में राहुल जी का ऐसा होना, रजनी बालाजी का होना, ये चीज़ें जो टारगेट किलिंग थी लगातार कंटिन्यू होती रही। तो आप खुद सोचिए कि उस सिनेरियो में हम मैं कैसे ऑफिस जाऊं, और मेरा ऑफिस वाला मुझे बोलता है कि भाई सिक्योरिटी का हम कुछ नहीं कह सकते, आप अपने रिस्क पे आना चाहते हो आप आ सकते हो। तो उस केस में देखिए वहां का नैरेटिव ही चेंज हो गया, फिर लोकल भी वहां डरा हुआ है कि उनको हम लाएंगे, यहां कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा। पुलिस के फ़ोन आते हैं आप ठीक हो, ये चीज़ें 12 साल पहले क्यों नहीं हुई, मतलब जब उस 2021 से पहले क्यों नहीं वो चीज़ें वो सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं। मैंने कभी पुलिस स्टेशन देखा नहीं है, मुझे पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं। आज मैं पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ, मुझे लगभग महीने में या हफ्ते में 2-3 बार फोन आता आप ठीक हो, आपने ड्यूटी रिज्यूम की, आप कहाँ हो। तो ये वेयर अवार्ड्स अगर पहले से होती तो शायद ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। अब मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं भी परेशान हूँ। मैंने अपना जो मेरा बच्चा था उससे मैंने अपने 4 महीने चला लिए, नेक्स्ट आगे क्या होगा मेरा, मेरे को कुछ पता नहीं। और हमारी सरकार है कि खामोश है, बिल्कुल खामोश। तो हमारे जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय सरकार ने उल्टा हमारे जख्मों को कुरेदा है। हमारी जो ये जीविका है, हमारी जो सैलरी है वो बंद कर गई, वो भी 6 महीने से, कुछ की तो 8 महीने से बंद है। तो ये सरकार का जो अड़ियल रवैया है ये बहुत ही ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ही मतलब कि वेलकम नहीं करना चाहिए इसको, बहुत ही दुखदायक है हमारे लिए, जो हमारी परेशानियों को कम करने के बजाय और बढ़ा रहा है। आज 6-6 महीने से हम सैलरीज के बिना रह रहे हैं, 7-7 महीने के बाद फिर भी हम कश्मीर नहीं जा रहे हैं, इट मीन्स अवर कंसर्न इज ग्रेव। पैकेज मुलाजिम जो कई महीनों से धरने पर है, हम रिलीफ होल्डर 2.5 साल से धरने पर है, इस सरकार को बता रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन जो इस सरकार ने वादे किए थे, हमारे जख्मों को बेचकर, कश्मीरी पंडितों को बेचकर, दुनिया में कहा, पूरे भारत में कहा, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला और एलिगेशन देते थे दूसरी पार्टियों पर, दूसरी जमातों पर। लेकिन जब हम कश्मीर से हमें भागना पड़ा, उस वक्त भी इनकी ही सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की और बीजेपी की मिलकर सरकार थी, जिस वक्त हमें कश्मीर से निकाल दिया गया। लेकिन हमारे जख्मों को 8.5 साल से बेचा गया और कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को जुल्म हो रहा है, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने इतने दुख दर्द दिए, इतने जुल्म हम पर किए कि भगवान ही जानते हैं। और इस सरकार ने हमें खौफ ज़दा करके रखा है। ये कहते हैं कश्मीर में नॉर्मल सी है, कहाँ नॉर्मल सी है, ये जुल्म नहीं है तो फिर क्या है।